हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज की बात करें तो आज 13th of May है, 13 मई है, और अपना एज ऑलवेज सेशन लेके हम आ गए हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स कैप्सूल का सेशन। मैंने इस सेशन में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेम किया है जो हमारे एग्जाम के पार्ट में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, UP SSC हो, UPSC हो, जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनकी बात कर ले हम, जो भी जहाँ भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने में आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो करंट अफेयर सेशन लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करता रहूँ उसका अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये मेरा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है जहाँ पर आप मुझे जुड़ सकते हैं और डेली जो भी मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे वो PDF आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे अदर सोशल हैंडल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करें, जो फर्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है, जैसा सबको पता है कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया रात को 8 बजे आकर। ठीक है, तो पहला न्यूज़ निकल के हमारे सामने क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो भी कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है, 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की बात की है। हालांकि आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा, ज़रूर आप अपडेट होंगे इससे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि इससे क्या रिलेटेड फैक्ट और निकल के आ सकता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो हालांकि इसका जो आंसर है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये सबको पता है। इसका जो फर्स्ट आंसर, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को ये घोषणा की है, इट मीन्स कल की बात है, आज 13 मई। ठीक है, उन्होंने कोरोना वायरस के संकट से घिरी अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। अगर क्वेश्चन ये बने कि क्यों किया भैया ऐसी योजना, जो है अभियान, क्यों उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो आंसर सीधी बात है सर, कोरोना वायरस के संकट से घिरी अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। ठीक है ना, अब समझ लीजिए 20 लाख करोड़ के पैकेज में क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है सर, इसमें है क्या, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है ये क्या है, कैसे समझें इसे हम, क्या मिलने वाला है, क्या कुछ इसका लाभ क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा। तो हालांकि देखते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 20 लाख के पैकेज से, समझ लीजिए क्या हो सकता है एग्जैक्टली, बड़े उद्योग और MSME सेक्टर को इससे राहत मिल सकती है। यानी मैं बता रहा हूँ आपको, जो बड़े उद्योग हैं, यानी कि जो MSME हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स, इनको एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, पहली बात। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इस पैकेज में RBI के फैसले भी शामिल हैं। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अभी हमारे मोदी जी ने कल बात करी है, इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली में फैसले लिए हैं वो भी शामिल है, जिसमें उसने RBI ने और जिसमें की बात करें बैंकों और म्यूचुअल फंड्स को लिक्विडिटी प्रदान की है RBI ने। अभी आपने देखा होगा कि जो बैंक्स हमारे यहाँ हैं, जो हमारे यहाँ बैंक्स हैं और जो हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको RBI ने लिक्विडिटी प्रदान की है, जो तरलता यानी कि लिक्विडिटी दी है ना, फंड प्रोवाइड किया है, तो भी इसी 20 लाख करोड़ के अंतर्गत ही कंसीडर किए जा रहे हैं, साफ साफ प्रधानमंत्री जी ने कल बोला है। कई सारी योजनाओं को जोड़कर यह पैकेज बना दिया गया है, मैं आपको बता दूं, अच्छे जान लीजिएगा आप। वित्त मंत्री हमारी जो है निर्मला सीतारमण जी, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हम लोगों को बताएंगी। ठीक है, यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मझोले उद्योग, जिसे बोलते हैं MSME सेक्टर्स, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होगा। ठीक है, तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसमें RBI ने जो अनाउंसमेंट किया है बैंकों को और जो म्यूचुअल फंड्स को लिक्विडिटी प्रदान की है वो भी शामिल किया गया है। इसमें कई सारी योजनाओं को जोड़कर पैकेज बनाया गया है, जान लीजिए आप। इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो सेक्टर हैं, यानी जिसे कहते हैं हम लोग लघु मझोले उद्योग, है ना, जो हमारे यहाँ है काम करते हैं, तो उनको भी इससे राहत मिलेगी, उनको भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जान लीजिएगा आप। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि उन्होंने एक मंत्र दिया है, कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के 5 मजबूत स्तंभ या पिलर के बारे में बताया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो पिलर कौन कौन से हैं, इसको आप एक बार जरा कंसिडर कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट आपका इकोनॉमी, सेकेंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड आपका सिस्टम, एंड फोर्थ आपका डेमोग्राफी, एंड फिफ्थ आपका जो है डिमांड है। तो इसके बारे में जरा नोट कर लीजिए। देखिए, जो फर्स्ट की बात करें हम, जो इकोनॉमी
यानी कि आत्मनिर्भर भारत के 5 मजबूत जो पिलर हैं जो बताया प्रधानमंत्री जी ने, तो इकोनॉमी जो क्वांटम जंप लाएगी, यानी कि इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, इंक्रीमेंट जो चेंज होता है वो नहीं, उसकी बात नहीं की जा रही कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्वांटम जंप लाएगी, एक अच्छा खासा जंप की बात की गई है, अच्छे खासे जंप की बात की गई है इस पार्ट पर। फर्स्ट जो इकोनॉमी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, सेकेंड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या, आपके यहाँ रोड अच्छा होना चाहिए, आपके यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, आपके यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, पानी पीने के लिए पानी अच्छा होना चाहिए, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैक्टली है ना, जिसे कहते हैं आधारभूत जो बुनियादी ढांचे हैं उनकी बात की जा रही है। तो जो आधुनिक भारत की पहचान बनेगा, यानी कि जो मॉडर्न इंडिया है उसको ये आइडेंटिफाई करेगा, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है ना। सेकेंड, थर्ड उन्होंने कहा है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम की बात की गई है, उन्होंने की है, यानी कि तकनीकी आधारित सिस्टम, यानी कि हम टेक्नोलॉजी को इतना स्ट्रांग करें या इस पार्ट पे इतना अच्छा काम करेंगे कि इससे क्या होगा कि हमारी एक अलग पहचान बनेगी। तो तकनीकी आधारित सिस्टम पर जोर दिया गया है ना। और जो एक नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, यानी कि हमारी आबादी है इतनी ज़्यादा आबादी है कि ये हमारी ताकत है, उन्होंने कहा ये हमारी ताकत है और जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम असंभव नहीं है, वाइब्रेंट डेमोग्राफी की बात की गई, ठीक है ना। अगला है डिमांड, देखिए जो इकोनॉमी है आप सबको पता होगा DNS पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई पे हमारी इकोनॉमी आधार जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, यानी मांग और आपूर्ति है ना, आपूर्ति और जो मांग होता है, मांग और आपूर्ति पे हमारी जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो डिमांड और सप्लाई चेन के चक्र को पूरा करने की ज़रूरत है, हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे और सप्लाई चेन आधारित बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया खास तौर पर लोकल सामान खरीदने पर जोर दिया गया है, ओकल फॉर लोकल, ओकल फॉर लोकल का मतलब कि आप अपने लोकल का ही प्रोडक्ट यूज़ करो, उसको अवेल करो और अपने मुँह से उसका उसका बखान करो, ताकि वो क्या है ब्रांड बन जाए। जैसे उनका मतलब ये था कहना, कि कहने का मतलब जो प्रवासी श्रमिक हैं जो बाहर जॉब करने के लिए गए हैं और इस तरह की आपदा आई और लोग फंस गए, कई लोगों ने अपने जो है कह सकते हैं परिवार वालों को या कह सकते हैं अपने संबंधी जो रिलेटिव हैं उनको, कई लोगों ने, कई ऐसे परिवार हैं जो कह सकते हैं इसी लॉकडाउन में या इस आपदा में खो दिए हैं, तो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कल बोला है। तो ये सारी बातें हैं कि भैया अब आप नौकरी करने के लिए बाहर ना जाओ, अब आप जो जॉब कर रहे हो आप अपने लोकल में ही रहकर कुछ जॉब करो, सेल्फ रिलायंट बनो, मतलब सेल्फ जो डिपेंडेंसी है वो खुद आत्मनिर्भरता की बात की गई है, खुद से आप करो। तो ये 5 पिलर हैं, 5 पिलर कौन कौन से हैं अगर पूछा जाए आपसे, तो आप कहेंगे इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है, वाइब्रेंट डेमोग्राफी है और डिमांड है। तो 5 क्या किसकी बात की गई है, जो पिलर है स्ट्रॉन्ग पिलर उसकी बात की गई है। तो आई होप आपको समझ में ये आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आ रहा है, भारत ने कोरोना से निपटने के लिए 20 लाख, फिर वही क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरह पूछा गया क्वेश्चन, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, यह GDP, यानी GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो ये घोषणा की गई है ये हमारे GDP का, यानी कि टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कितना परसेंटेज है। तो इसका सही आंसर है कि हमारे 10% है। कितना परसेंट है, 10% है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, लास्ट तक जरूर सेशन देखिए मेरा, अटेंड करिए, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी, क्योंकि न्यूज़ पढ़ लिया काफ़ी नहीं है, आप इसके बारे में ज़रा समझिए अच्छे से कि इसका मतलब क्या है जो बोला गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो पैकेज है इसकी जो कुल GDP का कितना है, करीब करीब 10% है, ये हो गया पहला पॉइंट। देश की GDP इस वक्त तकरीबन 210 लाख करोड़ के आसपास का है, ये एक फैक्ट है, डेटा है कि जो हमारे कंट्री की जो GDP है वो कितनी है, तकरीबन 210 लाख करोड़ के आसपास है। अगला है GDP ने सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का एक पैमाना या जरिया है। अगर आपसे कोई पूछे GDP क्या होता है, तो आप कहिए किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको मेजरमेंट करने का, उसको मापने का एक जरिया होता है जो आपका GDP होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। मैं आपको इसको अच्छे समझा दूँ, जरा समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, GDP के बारे में यहाँ बताया गया कुछ आपको, क्या है GDP, ठीक है ना। तो इसको जरा पिन डाउन समझिएगा अच्छे से, यह देश की आर्थिक हेल्थ के बारे में बताता है, यानी स्वास्थ्य के बारे में बताता है, जो देश की स्थिति क्या है। भारत में GDP का आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि इसे बोलते हैं NSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये क्या करता है, ये बताता है भारत में जो GDP है उसका जो आंकड़ा है, उसका जो डेटा है वो NSO देता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, ठीक है, ये बताता है। अब देखिए गणना कैसे होती है GDP की, तो GDP इक्वल क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल क्या होता है, सी
प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इसका मतलब क्या समझिए आप, जो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया आपको, सी मतलब होता है कंज्यूमर एक्सपेंसेस, यानी कि कंज्यूमर मतलब जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या खर्चे कर रहे हैं, यानी हम आप देश में रहने वाले व्यक्ति की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट आई, और नेक्स्ट है आपका जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स एम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये आपका जो एक्स एम ब्रैकेट में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। आप बहुत अच्छे से आप समझिए जी डी पी क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, एक साल में किसी भी देश के द्वारा, समझिएगा एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, एक फाइनेंशियल ईयर में FY मतलब फाइनेंशियल ईयर में किसी भी देश के द्वारा उस देश की जो टोटल, यानी कि उस देश की जो कुल कह सकते हो प्रोडक्शन होती है, यानी उत्पादन होती है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, किसकी, एक देश में एक साल में जो वहाँ पे उत्पाद यानी जो वस्तुएं हैं उनकी और सेवाओं की, वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है, तो उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, उनका जो मौद्रिक मूल्य मूल्य होता है, वो कहलाता है उस देश का जीडीपी। अब बात किसकी हो रही है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रही है, समझिएगा ध्यान से, एक देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर उस देश के द्वारा एक साल में कुल किया गया उत्पादन किसका, वस्तुओं और सेवाओं का, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, मौद्रिक मूल्य होती है, वो जीडीपी कहलाती है। ठीक है, तो जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, कंज्यूमर एक्सपेंसेस, यानी कंज्यूमर ने जितना भी एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है, इंडस्ट्रीज, भाई खर्चा आप कब करोगे, जब आपके पास आएगा तभी ना खर्चा करोगे, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री पे कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी जो उद्योग धंधे उस पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और कब होगा इन्वेस्टमेंट, जब पैसा होगा तभी ना करेंगे इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के कितने खर्चे हैं ये, और प्लस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट को माइनस क्यों किया गया, यानी कि एक्स माइनस एम क्यों किया गया, समझिए आप इसको, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो आप बाहर भेजते हो निर्यात, और इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात और इम्पोर्ट का मतलब आयात, तो जो हमारे देश में बना बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में उसका प्रोडक्शन हुआ, अब बाहर भेज दिया गया, तो भैया बाहर भेजा गया तो हमारे देश में हुआ है ना, तो हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हुआ है ना, भौगोलिक सीमा के अंदर हुआ है, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, लेकिन जो बाहर से हम मंगाए हैं, तो बाहर से मंगाए हैं तो हमारे देश में तो उसका उत्पादन हुआ नहीं है, तो उसको काहे को आप काउंट करोगे, तो इसीलिए एक्सपोर्ट जितना होता है, मान लीजिए 100 रुपया आपका एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है ना, और 50 रुपया आपने इम्पोर्ट किया, हालांकि ये नहीं होता है, चूंकि हमारा जो एक्सपोर्ट होता है कम होता है, इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको, इसीलिए जो है हमारा जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि जो बीओपी होता है, अगर हम बात करें करंट अकाउंट जो होता है हमारा, वो डेफिसिट होता है, रीज़न क्या होता है, हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, यानी आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, इसलिए हमारा जो करंट अकाउंट होता है वो डेफिसिट होता है, घाटे का हमारा चालू खाता घाटा होता है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा जब फॉरेन ट्रेड हम लोग डिस्कस करेंगे, विदेशी व्यापार जो एक टॉपिक है उसमें बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा 100 रुपया मान लीजिए क्या है आपका एक्सपोर्ट है, और 50 रुपया आपका इंपोर्ट है, तो आप इसको माइनस करोगे तो 50 रुपया निकल के आएगा, ये 50 रुपया मतलब एक्सपोर्ट जो किया था वो बाहर जो भेजा था जो लिया है उसको माइनस कर दीजिए तो निकल के आएगा आपका, तो इसलिए बोला गया कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंसेस है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, और प्लस आप जोड़ दीजिए एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके आप उसको जोड़ दीजिए, जो आपके तीनों ये हैं, तो आपका निकल आएगा क्या जीडीपी, ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक बार फिर से बोल रहा हूँ समझिएगा, एक साल में किसी भी देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर उस देश के द्वारा जो कुल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसकी जो मौद्रिक मूल्य होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसे जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसको आप चाहें तो एक बार दो बार तीन बार सुन के और इसको पिन डाउन कर लीजिए अच्छे से। फिर से बोल दे रहा हूँ, किसी भी देश के द्वारा उस देश के अंदर भौगोलिक सीमा के अंदर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर उस देश के द्वारा जो भी कुल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन होता है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, द मॉनेटरी वैल्यू इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे 10% की बात हो रही थी। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा इस अभियान में प्रधानमंत्री जी ने एक बात और करी है, लैंड लेबर लिक्विडिटी और लॉस की बात की गई है, यानी कि लैंड भूमि की बात की गई, लेबर मजदूरी की बात की गई, लिक्विडिटी तरलता की बात की गई, और लॉस मतलब कानून की बात की गई, ये सब अच्छा होना चाहिए, इस पर मतलब जोर दिया जाएगा, इस अभियान में इसकी चर्चा की गई है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के लिए इस पैकेज में लैंड, फिर बोल रहा हूँ लेबर, लिक्विडिटी और लॉस पर बल दिया गया। एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि लैंड लेबर लिक्विडिटी में एक या लॉस में क्वेश्चन बोल सकता है कि इसमें जो 4L दिया था उसमें फर्स्ट L या बोल देगा लैंड था, लिक्विडिटी था, लॉस था, अगला क्या था, तो लेबर, इस तरह क्वेश्चन किसी तरह पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, या 4L का मतलब क्या होता है इस तरह। ठीक है, लैंड रिफॉर्म के बारे में पीएम मोदी जी ने कुछ वक्त पहले ही घोषणा कर दी है, लैंड रिफॉर्म के बारे में, जमीन के बारे में, भूमि के बारे में, कि वह लोगों को जमीन के अधिकार का पत्र देंगे, यानी जो लोग हैं उनको क्या करेंगे, जो जमीन है उसका अधिकार का पत्र देंगे, ड्रोन से लैंड मैपिंग होगी,
देखो मैपिंग होगी, मैपिंग नहीं मैपिंग हो, ड्रोन से, यानी ड्रोन से लैंड की क्या होगी, मैपिंग कराई जाएगी। इसमें कोई फेक फिर कोई इलीगल काम नहीं कर सकता है, ठीक है। लेबर एंड श्रम को लेकर भी डिटेल आना बाकी है अभी, जो श्रम से रिलेटेड कुछ डिटेल है भेजेंगे। लिक्विडिटी को लेकर हाल ही में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, उसने ऐलान किया है। उसके बारे में और भी ऐलान होंगे, और भी चीज़ें बताई जाएंगी। लॉ के बारे में, जो आपका लॉ है, इसके बारे में देख रहे हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि यूपी सहित कई राज्यों ने ज़्यादातर लेबर लॉ को बदल दिया है या सस्पेंड कर दिया है। जो पहले के लॉ वाले कानून थे, जो लॉ वाले कानून थे, यानी कि लेबर पे जो एक्ट था, जो भी चीज़ें बनाई गई थी कि इतनी मजदूरी कम से कम होनी चाहिए या इतना टाइम होना चाहिए, उस पर अभी चेंज हुआ है, मतलब उसको अभी अपडेट किया गया है और जल्द ही उसका अनाउंसमेंट होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के अभी आए हैं कि एक ही है लेकिन बहुत बड़ा है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि कितना इस अभियान के तहत कितना 1 लाख करोड़ रुपये आर्थिक पैकेज दिया गया, 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ में क्या क्या शामिल है, तो मैंने आगे बताया आपको कि क्या क्या शामिल है उसमें, ठीक है। इसको पिन डाउन कर लीजिएगा। 20 लाख करोड़ पैकेज जो दे रहा है, GDP का कितना परसेंट है, 10% है। अच्छा, इंडिया की बात हो गई GDP, अब हम जरा जाने कि अदर जो कंट्रीज हैं, है ना, अदर कंट्रीज, वो अपने GDP का कितना परसेंट पैकेज दे रहे हैं। जैसे क्या इंडिया दे रहा है, क्या और भी कंट्री कोई दे रहा है, समझिए। तो इंडिया GDP का 10% दे रहा है। जैसे जापान जो है, अपनी GDP का सबसे ज्यादा 20% तय किया है, समझो भैया, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको पेन डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। जापान अपने GDP का 20% दे रहा है, जैसे इंडिया अपने GDP का 10% दे रहा है, अमेरिका अपने GDP का 14% दे रहा है, जर्मनी कितना दे रहा है अपने GDP का, 10.7% दे रहा है, ब्रिटेन अपने GDP का 5% दे रहा है, और चीन अपने GDP का 3.8% हिस्सा राहत पैकेज के लिए खर्च करने का प्लान बनाया है। इंडिया ने कितना बनाया है, 10% ऑफ GDP। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। ओके, GDP क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में बताता है, सूचित करता है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये आपको बताई दिया मैंने, 5 पिलर कौन कौन से हैं, इसको पिन डाउन अच्छे से कर लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ रहा है हमारे सामने, थर्ड क्वेश्चन। किस देश ने, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने, FIDE फाइट चेस डॉट कॉम ऑनलाइन नेंसेस कप जीता है? तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी हमारे सामने निकल के आ रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका, वो होगा चाइना, यानी चीन ने किया है ऐसा, चीन ने जीता है, ठीक है। इसके बारे में जरा कुछ जान लीजिए, स्टैटिक फैक्ट जो क्या है, चीन 17 अंक पाया है, 17 अंक के साथ 6 टीमों से सबसे आगे रहा है। चीन जो है, इस जो ऑनलाइन नेंसेस कप हुआ है इस कोरोना वायरस के दौरान, किस कौन सा किस देश ने, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के फाइट चेस डॉट कॉम ऑनलाइन नेंसेस कप किसने जीता है, चीन, कितना अंक के साथ? तो आंसर, 6 टीमों में वो आगे रहा है 17 अंक के साथ, 6 टीम में सबसे आगे रहा है 17 अंक के साथ, कितने अंक के साथ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, फोर्थ है, हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर किस देश में कृत्रिम द्वीप बना रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है? तो आंसर मालदीव होगा। यानी कि चीन जो है भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर किस देश में कृत्रिम द्वीप बना रहा है? तो आंसर मालदीव होगा, ठीक है ना। मालदीव पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, ठीक है। केरल से करीब 684 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव है, इसको पिन डाउन कर लीजिएगा। जो केरल है उससे करीब की बात करें हम, 684 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव है। और मालदीव के बारे में बात कर लें तो ज़रा नोट कर लीजिएगा, मालदीव की जो कैपिटल है वो माले है, मालदीव की जो कैपिटल है वो माले है, और मालदीव की जो करेंसी है वो रुपया है, रुपया, हमारा रुपया है ना, मालदीव की रुपया है, रुपया, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लिख सकते हैं आप, जो वहाँ के PM है, प्रधानमंत्री, इसमें कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली कौन है, मालदीव के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो करेंसी हो गया रुपया, कैपिटल माले, और प्रधानमंत्री इब्राहिम मोहम्मद सोली इसमें करंट टाइम में है, और जिनका भारत के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है, अगर बात करें हम, जो मालदीव के प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, चूड़समा का विधायक पद का चुनाव वहां के हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, किस राज्य की बात कर रहा है? तो आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात के राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा, जो वहाँ विधायक है ना, पद का चुनाव 2017 में जो हुआ था, तो उनको क्या कर दिया गया है, वहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया है, ठीक है।
इसके बारे में कुछ स्टडी फैक्ट जान लीजिएगा कि एक वहाँ के उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनका नाम है मिस्टर अश्विनी राठौड़, उन्होंने चुड़समा की जीत के को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, ठीक है ना। तो इस पर केस चल रहा था, फाइनली वीर जो हाईकोर्ट वहाँ का है उसने रद्द कर दिया, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। गुजरात की बात कर लें तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री से इसमें विजय रूपानी जी, वहाँ गवर्नर जो हैं आचार्य देवव्रत जी, गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर है। गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट और जान लीजिएगा, गुजरात जो है लार्जेस्ट की बात करें हम, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, साल्ट। सबसे ज़्यादा साल्ट कहाँ होता है इंडिया में, तो गुजरात में होता है। कॉटन की बात कर लें हम, सबसे ज़्यादा कॉटन भी कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। तो साल्ट एंड कॉटन एंड नमक की बात करें, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया दैट इज़ गुजरात। साल्ट की बात करें, लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन इंडिया दैट इज़ गुजरात। इसकी बात कर लें हम लोग, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें या मरीन की बात करें हम या गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क की बात करें, कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, यहाँ पे क्वेश्चन है किस देश ने अपने एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हमारे कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको 8 मई को 159वां वर्षगांठ मनाया गया था, ठीक है, 8 मई को, 8th of May को। तो इनको जो है किस देश ने अपने एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसराइल। इसराइल ने ऐसा स्टेप लिया है, इसराइल सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए वहाँ के तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर रखा है। वहाँ पे तेल अवीव की एक स्ट्रीट है, उसका नाम टैगोर रखा है, सड़क को टैगोर स्ट्रीट नाम दिया गया है, ठीक है ना। इसराइल इन इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि टैगोर ने अपनी कविताएं, उपन्यास, कहानियां और नाटक बंगाली में लिखे थे। 1913 में साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कवि हैं जिनका नाम है मिस्टर, बात करें हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो अगर क्वेश्चन बने कि कब उनको साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला, तो आंसर 1913 में साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला, 1930 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है ना। 27 दिसंबर 1911 को रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कांग्रेस की सभा में गाया गया था, तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27th बात करें हम, 27 दिसंबर 1911, ठीक है ना, को रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा भारत का राष्ट्रगान जो जनगण मन पहली बार कांग्रेस की सभा में गाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से पिन डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसराइल की बात आ गई है, तो इसराइल की कैपिटल है अगर बात कर लें हम, जेरूसलम कैपिटल है। वहाँ की जो करेंसी है वो सेकेल है, सेकेल करेंसी है, इसको पिन डाउन कर लीजिएगा। जेरूसलम कैपिटल है, करेंसी सेकेल है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी कौन है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और रेविन रेवलिन नाम लिख दे रहा हूँ मैं इनका, क्या नाम है वहाँ के प्रेसिडेंट का, नाम है रेविन रेवलिन, वहाँ कौन है प्रेसिडेंट है, बेंजामिन नेतन्याहू कौन है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है किसका, इसराइल का, ठीक है। करेंसी कौन क्या है, सेकेल है। वहाँ कैपिटल क्या है बात करें हम, तो जेरूसलम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम, 7th नंबर है, भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के बीच सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा केप्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन जो आपका है, सेकेंड ऑप्शन बी कौन सा है, केप्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को ये अवार्ड मिला है, कौन सा हुआ, स्काई ट्रैक्स जो पुरस्कार है, ठीक है, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, किस राज्य में FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। FIR आपके द्वार मतलब फास्ट, मतलब क्या होगा कि अगर आप जो डायल 100 है, जैसे मान लीजिए डायल 100 है, अगर आप कॉल करते हो कोई दिक्कत होती है तो सीधे जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि आपको FIR थाने में जाके लिखवाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि डायरेक्ट वो डायल 100 वाले जो कॉन्स्टेबल हैं वो आएंगे आपके पास और तुरंत कोई दिक्कत होगी तो FIR तुरंत लिख देंगे। मतलब FIR आपके द्वार किसने स्टार्ट की है, तो आंसर मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है। किसने स्टार्ट की है, मध्य प्रदेश ने। अब मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लीजिए, जीवन अमृत योजना स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश में, जीवन शक्ति योजना स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश में। जीवन जो अमृत योजना है उसमें मैंने बताया कई बार कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, इम्यूनिटी जो लोगों की है उसके लिए त्रिकुट चूर्ण डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई है, वहाँ पे की जा रही है, तो ये जीवन अमृत योजना है। जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत की बात कर लें हम लोग, तो 11 रुपये प्रति जो मास्क बेचने की बात की गई है, लेकिन बनाएंगे कौन, वहाँ की जो महिलाएं हैं
वो गवर्नमेंट को देंगी बना के, और 11 रुपये प्रति मास मास जो है उनको मिलेगा, ठीक है। तो जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत ये जान लीजिएगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं मिस्टर लालजी टंडन हैं। इसके कुछ हिस्टोरिक फैक्ट हैं। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है, 11 नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, जैसे मैंने कहा अभी साल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, साल्ट के नंबर एक गुजरात है, कॉटन में नंबर एक गुजरात है। तो ऐसे जो सोयाबीन है उसके कह सकते हैं उत्पादन में सबसे नंबर एक पे मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये चीज़ है। और बात कर रहे थे हम लोग किसके बारे में, FIR के बारे में। तो इसके बारे में जान लीजिए कि ये गंभीर शिकायतों के लिए ये सीनियर ऑफिसरों से परमिशन मांगी जाएगी। इसमें ऐसी बात है जो गंभीर शिकायतों की कोई होगा तो उसमें कॉन्स्टेबल नहीं, वो नहीं, उनका रोल नहीं होगा, बट सीनियर ऑफिसर से परमिशन मांगी जाएगी। बट इसके जरिए यह है नॉर्मल शिकायत FIR तुरंत दर्ज कर दी जाएगी। जो नॉर्मल FIR है और शिकायत है तुरंत दर्ज कर ली जाएगी। इस FIR आपके द्वार यानी गाड़ी आपके पास जाएगी और FIR वहाँ हो जाएगा, आपको थाने पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नॉर्मल केस है तो गंभीर है तो फिर सीनियर ऑफिसर के पास होके जाएगा, वो जो थाने बुलाएंगे जैसा भी करेंगे वो चीज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 9th फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में वर्ल्ड वर्ल्ड नर्स डे कब मनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने ही है। तो 12th of May को मनाया गया, कौन सा डे, वर्ल्ड नर्स डे, 12th of May को, 12 मई को मनाया गया वर्ल्ड नर्स डे, ठीक है। तो अब जरा इनके बारे में इनका योगदान क्या रहा है, जो फ्लोरेंस नाइटेंगल है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है इनके बारे में इंग्लिश में। उन्हीं की पहल थी क्या, संक्रमक रोगों का डेटा जुटाने का काम फर्स्ट टाइम शुरू किया था। जो संक्रमक संक्रमक बीमारियां हैं उसका डेटा जुटाने का काम कौन शुरू किया था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था, ठीक है। उन्होंने नर्सिंग का आधुनिक रूप दिया है, जो भी नर्सिंग आज के टाइम में देखा जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो ये योगदान कहीं ना कहीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का है। उनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, 1820 को हुआ था, 12th of May को हुआ था, ठीक है। इसीलिए उनके सम्मान में वर्ल्ड नर्स डे सेलिब्रेट किया था 12 मई, चूंकि जन्म उनका 12 मई को हुआ था। इस बार उनका 200वां जन्मदिन था, इस बार जो उनका था वो 200वां जन्मदिन था, किसका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, ठीक है। 1910 में फ्लोरेंस 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, 1910 में हो गया था। खैर इतना आपको नहीं, लेकिन जान लीजिए कुछ स्टैटिक फैक्ट उसके उनके बारे में। अस्पताल में नाइट शिफ्ट में कहा जाता है, ये पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा भी है इसके बारे में, मतलब इस चीज़ के बारे में जो ये एक्टिविटी बताने जा रहा हूँ मैं आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के बारे में, कि अस्पताल में नाइट शिफ्ट में वे मशाल थाम कर मरीजों की सेवा करती थी, और इसलिए उन्हें को आपको पता होगा द लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। द लेडी विद लैम्प हम लोगों ने पढ़ा भी है, द लेडी विद लैम्प हम लोगों ने इंग्लिश में, मुझे याद नहीं आ रहा किस क्लास में, बट किसी क्लास में हम लोगों ने द लेडी विद लैम्प पढ़ा है ना, ठीक है। तो ये क्यों कहा था, क्योंकि वो कहा था कि अस्पतालों में मशाल लेके मरीजों का हालचाल और उनको सेवा करने के लिए जाती थी वो। आज भी उनके सम्मान में नर्सिंग की शपथ हाथों में लैंप लेकर ही ली जाती है। इसे नर्सिंग, इसे जो है नाइटिंगल प्लेस कहते हैं। आज भी उनके सम्मान में शपथ जो ली जाती है वो हाथ में लोग लैंप लेके ले रख लेते हैं शपथ, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं उसे, जो है नाइटिंगल प्लेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हमें फाइंडिंग फ्रीडम किसके जीवन पर लिखी पुस्तक है, तो जो फाइंडिंग फ्रीडम है वो किसके जीवन पर लिखी पुस्तक है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिंस हैरी मेगन मार्कल, प्रिंस हैरी एंड मेगन मार्कल, ऑप्शन बी हो जाएगा। जान लीजिएगा इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट। ब्रिटेन के महारानी, इसको नोट भी कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते प्रिंस हैरी हैं। प्रिंस हैरी कौन है, प्रिंस हैरी ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय उनके पोते हैं, और उनकी पत्नी मेगन मार्कल की जीवनी है। तो मेगन मार्कल इसलिए बोला गया ना, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल, प्रिंस हैरी उनके पोते हैं और प्रिंस हैरी की पत्नी क्या नाम है बात करें हम तो मेगन मार्कल, तो उनकी जीवनी जो 11 अगस्त को प्रकाशित होगी, कब होगी, 11 अगस्त को होगी, ठीक है। इसे शाही पत्रकार, अगर क्वेश्चन बने इसे कौन किसने जो है लिखा है, तो इसे शाही पत्रकार नाम नोट कर लीजिएगा ओमिड स्कॉबी, नाम है ओमिड स्कॉबी, दो लोग हैं ओमिड स्कॉबी और कैरलून डूरंड, कैरलून डूरंड, डूरंड DURAND डूरंड, तो ओमिड स्कॉबी एंड कैरलिन डूरंड इन्होंने लिखा है इस पुस्तक को, ठीक है ना। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल शाही परिवार से 20 जनवरी 2020 में अलग हो गए थे, ठीक है। इसके बाद उन्हें शाही उपाधि हिज और हर रॉयल हाइनेस छोड़नी पड़ी थी। एक उपाधि होती है जिसका नाम शाही उपाधि है, नोट कर लीजिएगा हिज और हर रॉयल हाइनेस छोड़नी पड़ी थी, ठीक है, ये चीज़ है। तो ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था
ये मैंने डिस्कस किया है, इसको आप इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी तक अगर आपने ना किया हो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहेंगे ऐसे। मुलाकात करते हैं आपसे कल सेशन में, नए सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।